इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिस तरह से पूरे शहर में, पूरे रियासत कर्नाटक में कई चरणों में मतदान हो रहा है, तो 30 तारीख को बेलगाम शहर में भी वोटिंग की तारीख है और इसी के सरगर्मियां बेलगाम शहर में जारी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भाजपा और कांग्रेस का राष्ट्रीय पक्ष के तौर पर देखा जाता है, तो उसी में बहुजन समाज पार्टी भी है जो मुल्की सतह पर वो अपने नुमाइंदे खड़े करती है, तो कर्नाटक में भी उन्होंने कई जगह पर अपने नुमाइंदे खड़े किए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बेलगाम लोकसभा के लिए बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जनाब बदरुद्दीन कमदोड़ साहब। हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बदरुद्दीन कमदोड़ साहब हमारे चैनल पर सलाम अलैकुम। इस तरह का एक माहौल बना तो बहुजन समाज पार्टी इसमें किस तरह से उनके वोट उचक लेगी और इन दोनों के झगड़ों में कहीं आप बीच में से निकलना जाए, ऐसा एक माहौल भी नजर आ रहा है क्या? और नहीं है तो कैसे आप लेंगे लोग वोट, बताइए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, डॉक्टर कांशीराम के ज़माने से पुरानी पार्टी है और आप जानते होंगे कि यूपी में भी अच्छी खासी 2 बार CM बन चुकी हैं मायावती जी। अब इस दफ़े लोकसभा इलेक्शंस में मायावती जी ने पूरे 528 सीटें पे कैंडिडेट्स बिठाए, तो ऐसा नहीं है कि BSP इससे पहले भी नहीं रुकी है। इससे पहले भी हमने कहीं दफ़ा लड़े हैं सीट्स, लेकिन इस बार पूरी तरह से, पूरी जोर शोर से और पूरी ताकत लड़ा के BSP लड़ रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, देखिए आप मीडिया में चली जाइए या कोई भी न्यूज़पेपर में ले लीजिए, सिर्फ 2 ही पार्टियों का जिक्र आ रहा है, इसका तो बिल्कुल जिक्र आता ही नहीं। लेकिन इस दफ़े हवा कुछ अलग है, इस तरफ कुछ हवा अलग है और लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो। लोग तंग आ गए हैं सब, 60 साल जो पहले की जो पार्टियां जो किए हैं, जिस तरह से उन्हें काम करना था, आज हम जापान को पीछे छोड़ना था लेकिन वो कर नहीं पाए, और पिछले 5 साल से जो हुकूमत है हमें 20 साल पीछे लेके चले गई है, तो लोग तंग आ गए। नई नई पॉलिसीज बजाय जापान के हम नेपाल की तरफ जा रहे हैं, चौकी तरफ। बिल्कुल सही है सर। तो इस तरह से जो अफला तफली हो रही है, इसकी वजह से लोग परेशान हैं और बिल्कुल चेंज चाहते हैं। तो इस दफ़ा हमने जहाँ पे सर्वे किया है, जहाँ पे हम लोग कैनवसिंग जाते हैं, तो स्टूडेंट्स में और नौजवानों में एक अलग सी ये है विचारधारा है और लोग इस दफे जरूर BSP को एज ए थर्ड पार्टी जरूर लेके आएंगे। जैसा कि महागठबंधन की भी बात चल रही, तो आप महागठबंधन से मुराद कांग्रेस से जुड़ जाएंगे क्या है? देखिए, ये आगे की बात है, मैं अब तो नहीं बोल सकता, लेकिन अब फिलवक्त जहाँ आप जहाँ जहाँ पे स्टेट्स हैं, जैसे आप आंध्रा में देखिए पवन कल्याण की पार्टी के साथ जुड़े हैं, UP में देखिए समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, इसी तरह से सब जगह गठबंधन हुए हैं और इस बार मायावती जी जरूर PM बनेंगी पूरा गठबंधन के सपोर्ट से, और इंशाल्लाह यहाँ पे भी बेलगाम में इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और बेलगाम में भी इंशाल्लाह जीत हासिल। बेलगाम के आवाम के लिए क्या, आप कैसे उनको, आपका यह क्या रहेगा कि लोगों को माइल करने के लिए आपके पास क्या? देखिए, हम दूसरे पार्टियों के इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है हम अपने मैनिफेस्टो से नए नौजवान हैं उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चरिस्ट के लिए अच्छे से अच्छे जो किसान हैं उनके लिए अच्छे से अच्छे पॉलिसीज और अच्छे अच्छे ये लेके आ रहे हैं, सिस्टम्स लेके आ रहे हैं और इंडस्ट्रीज लेके आना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग
जरूर अट्रैक्ट करें। नहीं, जैसा कि बहुजन समाज का कैडर बेस कार्यकर्ता होता है कि वो बहुजन समाज की तरफ ही रहता है वो, जी बिल्कुल, लेकिन जब कम्युनल फोर्सेस को हराना है जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अगर कुछ हद तक आप अगर सेक्युलर वोटों को उचक लेंगे तो उसका फायदा कम्युनल पार्टी को हो जाए? देखिए, बहुजन, बहुजन का मतलब क्या है, जो छोटे कास्ट के हैं उनकी उनकी ये गिनती ज्यादा है, जैसे पूरे SC ST हैं, OBCs हैं, माइनॉरिटीज हैं, ये सब आप मिलाएंगे तो 80% है। अगर सोचिए इंशाल्लाह अगर मुसलमान और SC ST और OBC आ जाएंगे तो ये फिरका पर उनकी कितनी औकात है, बहुत कम परसेंटेज है, जरूर हम उनको खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुन रहे थे नौजवान का ये बद्रुद्दीन कमदोर साहब, जिन्हें वसीम भी कहा जाता है, और उन्होंने बड़े ही वाज़े अल्फाज में कहा कि अगर सब बहुजन अगर एक हो जाते हैं तो जातिवाद, धर्मान और ये फैसिस्ट ताकतों की कोई औकात नहीं कि वो हुकूमत में आ जाए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।